ये ऑप्शन सही है। कहता है इलेक्ट्रॉन हैज ए काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड इट्स वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बीम ऑफ मास 9 पॉइंट, इतना इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना कह रहा है, लंग्स कॉन्स्टेंट आपको इतना लेना है, तो वेवलेंथ निकालना है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बीम हैज काइनेटिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है जो कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमें उसकी वेवलेंथ निकालना है लैम्डा एंगस्ट्रॉन में। तो अगर देखोगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है और उस डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी होता है लीनियर मोमेंटम। तो एच अपान पी को एम भी लिख सकते हैं और एच अपान पी को 2 टाइम्स मास और काइनेटिक एनर्जी ई अंडर रूट लिख सकते हैं, मोमेंटम से और काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। सबको पता है ये बेसिक फार्मूला। तो ये वाला लैम्डा वाला इक्वेशन अगर मैं लगा दूं डायरेक्ट, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 2 टाइम्स मास और काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट। ये इक्वेशन अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो प्यारे बच्चों मुझे पता चल जाएगा कि उसकी लैम्डा कितनी है। तो अब ये सारा 6.6 × 10⁻³⁴ और अब मैं डिवाइड कर दूंगा ये सारी जो रामायण वैल्यू है, रामायण कहानी है, 2 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁶ से डिवाइड कर दूं और काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जूल में 1.6 × 10⁻¹⁹, ये अंडर रूट। अब ये जो बचा यही तो लैम्डा है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना और अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व कर लेना, देखना इसको कितना आता है, कैलकुलेट करना इसको, ये आ जाता है फाइनली इसका जो सोल्यूशन आ जाता है, इसको सॉल्व कर लेना, 1.2 × 10⁻¹⁰ आ जाता है और एंगस्ट्रॉन में दिया है तो 1.2 एंगस्ट्रॉन के इक्वल आ जाता है। मतलब हम लोगों का प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो कहता है इफ यू कंसीडर